हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल SNP टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप राशन कार्ड की गेहूँ सामग्री कैसे इनेबल करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है बट आपको राशन कार्ड सामग्री नहीं मिलती है, दोस्तों इसके लिए आपको NFSA को इनेबल कराना होता है, चालू कराना होता है, वो ऑफ है, इसलिए आपको राशन कार्ड की सामग्री नहीं मिलती है। दोस्तों, आप किस तरह उसे इनेबल करा सकते हैं? दोस्तों, इसमें आपको दो तरीके बताऊँगा दोस्तों, जिस दोनों तरीके से आप अपना राशन कार्ड का NFSA को इनेबल यस करा सकते हो। दोस्तों, पहला तरीका बताने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, हमारे देश में कोरोना की वजह से पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है, जिसके वजह से पूरा मार्केट बंद पड़ा है। दोस्तों, ऐसे होने से पूरे देश में जो ऐसे मजदूर हैं, जो ऐसे गरीब लोग हैं, रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का खर्चा चलाते हैं, अपना परिवार के दो वक्त का भोजन इकट्ठा करके अपना घर का परिवार का खर्चा चलाते हैं, ऐसे लोगों को के लिए लॉकडाउन की वजह से बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में वे लोग अपना परिवार का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में वे लोग अपने आस पड़ोसी से, अपने दोस्तों से, आप उनसे पैसे उधारें मांग के अपना घर का खर्चा चला रहे। दोस्तों, उनका जो राशन कार्ड है वो डिसेबल हो गया, जिसके कारण वे राशन की सामग्री नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे लोगों में हैं और आपको राशन कार्ड है बट आपको राशन कार्ड की सामग्री नहीं मिलती है दोस्तों, तो आप किस तरह उसे इनेबल करा सकते हो? दोस्तों, इसके लिए आप बहुत ही गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाला नागरिक होना चाहिए, अर्थात ज़रूरतमंद होना चाहिए। आपके पास किसी भी प्रकार का ऐसा आय का स्रोत नहीं होना चाहिए जिससे आप घर बैठे भी मेहनत मजदूरी किए बिना भी घर का खर्चा चला सके। आप बहुत ही गरीब हो, मेहनत मजदूरी करते हो, तो आपका राशन कार्ड का जो NFSA इनेबल कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म फिल करने का ज़रूरत नहीं है, आपको घर से बाहर निकलने का भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही आप NFSA को ऑन करा सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको चले आना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। दोस्तों, इसके लिए आपको बता दूं, इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना होगा दोस्तों, फूड डिपार्टमेंट ये सर्च करना है आपको। दोस्तों, तो आपको चले आना है food.raj.nic.in वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जैसे ही आते हैं दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको नवीनतम न्यूज एंड अपडेट पर आपको यहाँ पर नीचे अधिक देखें, यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, इतने में आपको जितने भी यहाँ पर नोटिफिकेशन दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट ने आदेश निकाले हैं, जिसके तहत आपको जो भी ऐसे लोग हैं, बहुत ही गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को खाद्य सुरक्षा निःशुल्क दी जाएगी, अर्थात जो उनके राशन कार्ड NFSA इनेबल नहीं है दोस्तों, बंद बता रहे, वो भी इनेबल कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इन्हें एक आदेश निकाला है, वो भी आज की तारीख में ही है। दोस्तों, सेरिया कथोड़ी हैं खेरिया जनजातियों को निःशुल्क गेहूँ वितरण के बाबत स्वीकृत आदेश, यानी इन जनजातियों को निःशुल्क गेहूँ वितरण किया जाएगा। दोस्तों, नीचे आप देख सकते हो कि COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरतमंद नागरिकों तक राशन सामग्री दादी राशन तक का पक्का हुआ भोजन फूड पैकेट उपलब्ध कराने बाबत में, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक आदेश निकाला है, जिसके तहत ऐसे जो भी मजदूर है, जो नरेगा में काम करते हैं, जो श्रमिक है, जो रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चलाते हैं, उनका राशन कार्ड अगर NFSA में नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं बता रहा है, NFSA राशन कार्ड की सामग्री नहीं मिलती है, वे लोग अपना राशन कार्ड का NFSA इनेबल करा सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको अपना जो भी अपने अपने एरिया में जो भी कोरोना की वजह से जो अपने राशन कार्ड की सामग्री के लिए जिस अधिकारी को नियुक्ति किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो सेक्रेटरी पटवारी को नियुक्ति किया गया है, जो अपने एरिया के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनका रिपोर्ट सर्वे करते हैं और ऐसे लोगों का वे नाम NFSA में जोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी कोई हेल्प नहीं हो रही है दोस्तों, तो आपको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों, उसमें जितने भी हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं दोस्तों, उन सभी स्टेटों के टोल फ्री नंबर दिए गए। दोस्तों, उन टोल फ्री नंबर पे आपको जो भी स्टेट है आपका, उस स्टेट के टोल फ्री नंबर पे बात कीजिए। दोस्तों, उनसे बताएं कि हमारा राशन कार्ड में सामग्री जो है वो इनेबल नहीं बता रहा है, वो डिसेबल है, जिसके कारण हम राशन कार्ड की सामग्री नहीं ले सकते। दोस्तों, हम बहुत ही गरीब हैं, ऐसे बताएंगे तो वो आपको कुछ हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों, वो आपको पास के अपने जो भी एरिया के जो भी ऑफिसर आपके एरिया में लगाए गए हैं दोस्तों, वो आपके पास आएंगे और आपका परिवार का इंक्वायरी करेंगे, तो आपका राशन कार्ड का जो NFSA सर्विस का है उसे इनेबल कर देंगे दोस्तों, ताकि आपको राशन कार्ड की सामग्री मिल सके। दोस्तों, अगर आप ये तो नोटिफिकेशन ओनली राजस्थान के लिए हैं, अगर आप अपने स्टेट के टोल फ्री नंबर पर बात करेंगे तो अपने इस तथ्य के बारे में बताएंगे तो दोस्तों, तो आपका कुछ हेल्प हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह आप ये
राशन कार्ड की सामग्री इनेबल करा सकते हो दोस्तों। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके पास यह ऐसा कोई भी मजदूर नहीं है, इसमें योग्यता नहीं है आपकी, तो आपको नीचे यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर एक होम पेज पर चले जाते हैं, पहले तो यहाँ पर आ जाइए दोस्तों। फिर यहाँ पर आपको खाद्य सुरक्षा योजना पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको खाद्य सुरक्षा NFSA में नाम जोड़ने हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दो फार्म दिए गए हैं दोस्तों, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक शहरी क्षेत्र के लिए भी है। इसमें नीचे दिए गए हैं यह शहरी क्षेत्र के लिए, तो आपको यहाँ पर आपको उपखंड अधिकारी जो भी लगता है वो यहाँ पर स्थान डालेंगे दोस्तों। यहाँ पर राशन कार्ड के मुखिया का नाम, उसके पिता का जो भी डिटेल मांग रहा है वो फिल कर देंगे दोस्तों। इसमें एक समावेश की प्राथमिक श्रेणी, इसमें से जितने सार की योजना दी गई दोस्तों, उन योजनाओं में से एक योजना आपके लिए अनिवार्य है दोस्तों। इन योजनाओं में से एक योजना आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य है। अगर आप नरेगा में काम करते हैं, 100 दिन पूरा हुए तो आपको सर्टिफिकेट लेना होगा अपने ग्राम पंचायत से, तो वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं दोस्तों, आपका इनेबल हो जाएगा दोस्तों। ये भी नरेगा में काम नहीं किया दोस्तों, अगर आपके पास ज़मीन है, खेती के लिए ज़मीन है, तो आप अपना जमाबंदी लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से किसान हो, सीमांत किसान हो या लघु किसान हो, जो भी किसान हो वो चूज करना होगा दोस्तों। तो इसमें से भी आपको जो भी आपको मिले वो यहाँ पर चूज करना होगा दोस्तों। इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है सीमांत किसान का। अगर आपके पास ज़मीन कम है तो आप सीमांत किसान चूज कर सकते हो दोस्तों। इसमें ऑप्शन भी दिया गया होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर एक लघु किसान का बता रहा है, लघु कृषक, ये लघु कृषक है दोस्तों। अगर आप लघु कृषक में आते हो तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना होगा, इस पर आपको यस का टिक करना होगा दोस्तों। तो इसी योजना में आते हो, फिर आपको एक लघु किसान का जो सर्टिफिकेट आता है वो आपको सर्टिफिकेट बनाना होता है। एक फॉर्म आता है जिसमें आपको सरपंच का भी साइन कराना होता है, या इसमें पटवारी का, तहसीलदार का साइन कराना होता है। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चला जाता है दोस्तों, तो इस तरह भी आप इनेबल करा सकते हो दोस्तों। और अगर आप राशन कार्ड का जो NFS है आप देखना चाहते हो कि आपको मिलता है नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर राशन कार्ड रिपोर्ट पर जाना, कि यहाँ पर जाने के बाद यहाँ आपको राशन कार्ड वितरण पर देखने पर क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको जो भी ज़िला आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, वो चूज़ करो दोस्तों। फिर यहाँ पर अपना आप एरिया के हिसाब से भी यहाँ पर अपना जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से भी चेक कर सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल दो डायरेक्ट, तो आपको बता देगा दोस्तों। मैं यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल देता हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पर राशन कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ दोस्तों। इस तरह आप टाइप कर लो दोस्तों कुछ भी अपने एरिया का, तो यहाँ पर खोजे पर क्लिक कर दो दोस्तों। फिर नीचे यहाँ पर आप राशन कार्ड नंबर पर क्लिक करना होगा, जो स्टार रेटिंग में आ रहा है चिन्ह में। इसके बाद में आपके सामने ऐसा खाद्य सुरक्षा प्रकार, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा प्रकार बता रहा है वो हाँ बता रहा है, इनेबल बता रहा है, यस बता रहा है, तो आपको राशन कार्ड की सामग्री मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपके पास यहाँ पर इनेबल नहीं बताता है दोस्तों, डिस्टेबल बताता है दोस्तों, तो आपको अपने राज्य स्तर के टोल फ्री नंबर पर बात करके या उनको अपनी स्थिति के बारे में बताओगे तो आपको कुछ हेल्प कर पाएंगे, और शायद आपके राशन कार्ड की जो सामग्री है उसे इनेबल कराने में आपकी मदद भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड लगेगा, एक बैंक का पासबुक, आपका राशन कार्ड का जो फोटोकॉपी लगेगा दोस्तों। ये तीन चीज़ें आपको अपना जो भी कैंडिडेट आया, ऑफिसर आया आपके पास, तो उनको दे देना है दोस्तों, वो आपका इनेबल करा देंगे दोस्तों, आपको राशन कार्ड की सामग्री मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस योग्यता के लिए पात्र हो, जो ऐसे गरीब लोग हो, तो इन वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं उनको, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।